और आज तकरीबन जो हिसाब करने वाले सर्वे किया लोगों ने, जो मुसलमान सर्वे करते हैं कि कितनी ज़कात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है उनकी इकट्ठी होती है, देते हैं लोगों को, तो उसमें जो है एक कम से कम लिया उसके अंदर तो 25,000 करोड़ रुपए मुसलमान की ज़कात इंडिया के अंदर निकलती है, कम से कम ही, ज़्यादा तो ज़्यादा होगी। तो ये इसके बारे में कि ये 25,000 करोड़ अगर हर साल निकल रही है तो हमारे पास तो गरीब होने ही नहीं चाहिए था। अगर 1 करोड़ लोगों को 25,000 रुपए हर साल दिए जाएं, तब जाके 25,000 करोड़ रुपए होंगे। 1 करोड़ लोगों को आप दे दें, 25,000 रुपए पाते आएंगे उस। तो एक बार हमने ली इतनी जकात, अगर सिस्टम से इसको चला जाता, एक बार ली 1 करोड़ लोगों को हमने दे दिया 25,000 रुपए, उनके जो है कुछ काम करवा दिया, उनका कुछ ठेला लगवा दिया, किसी को छोटी मोटी दुकान खुलवा दी, किसी को कपड़े के दे दिया गट्ठर के जाओ बेचो, ये कर दिया हमने। उस ये करते तो फिर ये कि वो फिर इतना ये होता कि एक साल में उसके अंदर से कम ज़्यादा नहीं माने तो 75% लोग उसके अंदर से, बाकी 25 तो मान लो कि डूब गए होंगे, उनसे जो है चला ही नहीं काम धंधा, कभी किया नहीं, वो कर भी नहीं पाए, और किसी बीमार हो गया, जो भी हो गया, उसको छोड़ दिया, वो चले गए, या फिर आधे जो है हमारे चले गए और आधे सेट हो गए, तो आधे तो गए हमारे, 50 लाख ही बचे हमारे पास सब। 1 करोड़ अगर गरीब थे और हमने एक साथ 25,000 रुपये दिया, 50% का लॉस हो गया, सब उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया, 25,000 रुपये उन्होंने नहीं चलाया, आधे ने तो चलाया, आधे ने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली, 50 लाख लोग सेफ हो गए, वो उनके ऊपर उनको ज़रूरत नहीं जगह लेने की। तो अब ये जो बचे हुए बच गए, तो इनको फिर अगले साल वापस इतनी जगह आ रही वो फिर देंगे, तो अब इन 50 लाख लोग को 50,000 दे सकते हैं, फिर इसमें से भी कुछ हो जाएगा कि आधे लोग वे भी कर जाएंगे, इसमें से 25 लाख लोग सही कर जाएंगे, वो बाकी डुबा देंगे, फिर इसमें से भी बचेंगे वापस अगले साल, तीसरे साल के अंदर ये कितने बच रहे हैं, अब इनके पास में 1-1 लाख रुपये दे सकते हैं इनको। तो ये अगर चैनल से होता तो फिर हम कहाँ से कहाँ होते, हमको किसी का मुँह देखना पड़ता जो सबसे नीचे कैटेगरी में हमारा नाम लिखाया जा रहा है कि दलित से, और उनसे भी इनकी हालत ख़राब हो रही, गुर्बती हो रही। तो ये हमारे पास में सिस्टम नहीं बना। और दूसरा ये हुआ कि अगर ये सिस्टम से होता तो जो अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में हुआ था, 7 साल के अंदर ख़त्म हो गए थे, जकात लेने वाला नहीं बचा। आज भी अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा जिसको जकात की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल करके बताया इसको।